देशना કેટલાક રાજ્યોમાં ગરમીથી લોકોનો હાલ બેહાલ થઈ ગયો છે, ત્યારે રાજસ્થાનના અજમેરમાં ગરમીનો પારો વધી ગયો છે. લોકો ગરમીથી રાહત મેળવવા ઠંડા પીણાનો સહારો લઈ રહ્યા છે. તો જુઓ અજમેરથી અમારા સંવાદદાતાનો ખાસ અહેવાલ. અજમેર જિલ્લેભર મે ગરમીને ઇતના પ્રચંડ રૂપ ધારણ કર રખા હે કે પૂરે જિલ્લેભર કે જો નગરવાસી હે ઉનકા હાલ બડા બેહાલ હે. ના વો કામ ધંધે કો પ્રોપર તરીકે સે નિકલ પા રહે હે, ના અપના વ્યાપાર કર પા રહે હે. મહેનત મજદૂરી કરને વાલો કી તો હાલ બડા બેહાલ હે. इसी को लेकर के जब मौसम विभाग से हमने जानकारी चाही तो आज मौसम का जो टारगेट है, वो मौसम का जो डिग्री है, वो 34 डिग्री सेल्सियस आज जिले भर की जो गर्मी है वो नोट की गई है. इसी को लेकर के आज हम एक जूस की दुकान के पास खड़े हैं, जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानकारी करना चाहेंगे कि आज वो यहाँ किस लिए आए. स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप लोगों का. ये जूस की दुकान पर आप लोग बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से हाल बेहाल है. बस कोचिंग से आ रहे थे, गर्मी के कारण प्यास लग रही थी, इसीलिए जूस पीने के लिए बैठे हैं. बिल्कुल सही बात है, गर्मी से बच्चे जब कोचिंग से वापस निकल रहे हैं तो आ रहे हैं तो भी जूस की दुकान, जा रहे हैं तो भी जूस या किसी गन्ने के थड़ी के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं. जूस सेंटर के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं. आप बताएं किस तरीके से यहाँ पर लोग, क्या क्या रिक्वायरमेंट लोगों की ज़्यादा है? जूस की डिमांड ज़्यादा है, गर्मी से बेहाल है लोग, गर्मी के कारण जूस मांगते हैं. तो आपने यहाँ पे क्या क्या सुविधा रख रखी है ग्राहकों के लिए? क्या क्या आप जूस, किस किस तरीके का जूस आप लोगों के यहाँ? सभी तरीके का जूस मिलता है, सभी प्रकार. कुछ और भी ग्राहक हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी चाहेंगे. आप किस लिए बैठे हैं? सर जूस पीने के लिए, काफ़ी गर्मी है नसीराबाद में, बहुत गर्मी है, इस चक्कर में जूस यहीं पर बढ़िया मिलता है और यहीं पर पीने आते हैं सुबह शाम, एनी टाइम यहीं पर आते हैं जूस पीने गर्मी के कारण. बिल्कुल सही बात है कि गर्मी का जो 34 डिग्री सेल्सियस आज का जो तापमान नोट किया गया है, उससे लोगों का हाल बड़ा बेहाल हो चला है. और देखा गया है कि जूस की दुकान के ऊपर या फिर जहां पर ठंडा पानी मिल रहा है या फिर जहां प्याव लगी है वहां पर लोगों के ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है. इवन लोगों ने बिसलरी पानी की बॉटल्स भी बहुत ज़्यादा खरीदी जा रही है. लोग देख रहे हैं कि पानी की कहीं कमी नहीं आ जाए. आज के दौर में ये कोरोना काल का जो महाकाल चल रहा है, इसको लेकर भी लोग बहुत जागरूक हैं. अपने आप में हर चीज़ जो देखी जा रही है, फल फ्रूट से उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो आज का अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी जूस सेंटर पर पहुंचते हैं. और गर्मी का हाल तो बेहाल है ही कि गर्मी को लेकर के भी लोग बाग जूस की दुकान पर या ठंडे पानी की या शीत ठंडी जगहों पर लोग जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़ अजमेर.